हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल शकुंतलम क्रिएशन में। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि मध्य प्रदेश में पटवारी की लगभग 9,000 वैकेंसियां निकली हैं, तो आज हम देखते हैं पटवारी की परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? पहला है बिल गेट्स, दूसरा है चार्ल्स ब्रैवेज, तीसरा है बेल्स पास्कल, चौथा है जोसेफ जैक्यूड। तो इसका बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं आप, चार्ल्स ब्रैवेज, इन्होंने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। दूसरा सवाल है हमारा, भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका आंसर है परम 10,000 सुपर कंप्यूटर का भारत ने निर्माण किया था। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? तो आप लोग इसे याद रखिए, सिद्धार्थ भारत द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का सबसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एनियक है। कौन सा है? एनियक है। अब पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है? तो आप लोगों को ये जानकारी होगी कि कंप्यूटर मनुष्य की लैंग्वेज को नहीं समझता, इसे सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज समझ में आती है, और 0-1 की लैंग्वेज को हम मशीनी भाषा कहते हैं। जो भी डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, वो कंप्यूटर उसे 0-1 की लैंग्वेज में ही पढ़ता है। तो कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है? मशीनी भाषा समझ में आती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? अब रैम का तात्पर्य ये पूछ रहा है, इसका मतलब ये है कि रैम का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है हमसे। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता क्या है? स्टोरेज माध्यम मतलब जो स्टोरिंग कैपेसिटी जो होती है कंप्यूटर की, उसकी यूनिट क्या है ये पूछ रहा है। तो इसकी यूनिट है बाइट, इसे हम स्टोरेज जो यूनिट होती है उसे हम बाइट से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है या सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेस चलती रहती है उन सबको कंट्रोल करता है ये सीपीयू, इसीलिए इसका नाम क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, आईबीएम का पूर्ण रूप कौन सा है? आईबीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, इसका मतलब ये आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक नहीं पूछ रहा है ये, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक पूछ रहा है। तो सह संस्थापक कौन होंगे? पाल एनल। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, तो याद रखिएगा 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में ALU से क्या तात्पर्य है? ALU ये क्या काम करता है? इस अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है इसका फुल फॉर्म। कंप्यूटर में जितनी भी गणनाओं से संबंधित कार्य हैं वो ALU करता है, इसलिए इसका नाम क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? तो दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर अपने कंप्यूटर में देखा होगा P3, P4 इस टाइप से लिखा रहता है, तो पेंटियम का माइक्रो प्रोसेसर रहता है। क्या रहता है? पेंटियम ब्रांड से माइक्रो प्रोसेसर बेचा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 14th, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का अंग नहीं है? तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, मॉनिटर, CPU, UPS एंड माउस। तो मॉनिटर भी कंप्यूटर का अंग है, CPU भी कंप्यूटर का अंग है, और माउस भी कंप्यूटर का अंग है। यूपीएस
जो कि अलग से लगाया जाता है। यह यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई है, जब हमारी बिजली चली जाती है तो हम इससे बैटरी बैकअप लेकर कंप्यूटर को कुछ अतिरिक्त समय तक चलाया जा सकता है। तो ये कंप्यूटर का अंग नहीं है, ये अलग से सेपरेटली कंप्यूटर में लगाकर उपयोग किया जाता है। यूनिटरप्टेड पावर सप्लाई याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये बात थोड़ी आप लोगों को ध्यान रखनी होगी कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर में मनाया जाता है। आप कुछ इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जिस मंथ में क्रिसमस डे आता है उसी मंथ में कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। तो आप लोग 2 दिसंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? अब कंप्यूटर में बहुत ही आसान सी चीज़ है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, और सबसे मुख्य चीज़ इसकी होती है सीपीयू। सीपीयू ही सारी सारी चीज़ों को परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है, इसीलिए हम सीपीयू को ही कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, WWW का फुल फॉर्म क्या है? WWW इंटरनेट से संबंधित एक क्वेश्चन है ये। हम किसी भी वेबसाइट को जब आप ओपन करते हैं तो उसका जो आप लोग नाम देखते हो www.google.com, तो ये इस WWW का फुल फॉर्म होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी रोम इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पी रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन वो होता है जिसमें कि हम कोई भी चीज़ सर्च कर सकें, जो भी चीज़ हमारे मस्तिष्क में आए हम सर्च करना चाहें। तो दोस्तों गूगल भी एक सर्च इंजन है, इसमें हम किसी भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। याहू भी एक सर्च इंजन है, MSN भी एक सर्च इंजन है, परंतु BSNL एक सर्च इंजन नहीं है। यह एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और वी कैन से कि हम इससे दूर संचार सेवाएं लेते हैं, मगर यह एक सर्च इंजन नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा BSNL। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? अब 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के और वीडियोस देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल शाकुंतलम क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप डिस्क्रिप्शंस में मेरे गूगल प्ले स्टोर में मेरा एंड्रॉयड ऐप चलता है, आप उसमें से इस वीडियो को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव करके कई बार देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।